गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय, उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूं एक नया व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने 13 को बोला था कि मेरी पहले आपने वीडियो देखी होगी कि चांच में एक कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ रंगमंच की ओर से कुछ किया जा रहा है और जिसमें कई सारे कॉम्पिटिशन भी हैं, रंगमंच प्रतियोगिता है चांच में। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया उसके बारे में, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जीके है, डांस है, कुछ नाटक भी हैं एंड ऐपन वगैरह, ऐसी प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा, वहीं जाके दिखाऊँगा क्या क्या है, क्या क्या हुआ, प्रोग्राम कैसे हुआ, क्या क्या, कौन फर्स्ट आया, कौन किसने क्या 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 परफॉर्मेंस की। तो आप लोग बने रहिएगा उपाध्याय व्लॉग्स के साथ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा आज का और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की जो पहाड़ों में है उनकी प्रतिभा देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मिलते हैं आपको सीधा 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 चाँच। अभी हम पहुँच चुके हैं और गौरव नेगी भी हमारे साथ जुड़े हैं आज इस प्रोग्राम में, तो चाँच के इस गांव में, और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह का है और किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, किस तरह से सेटिंग की जा रही है यहाँ पर स्टेज की। जो लोग क्या करेंगे, इनका वो रैंप क्या होगा, रैंप वॉक ना है अरे मॉडलिंग का भी है, तो वो भी है, मतलब रैंप और मॉडलिंग ठीक ठाक ही बोला हम लोगों ने। तैयारी हो रही है और प्रभात नेगी और उनकी टीम लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कई मुख्य अतिथि भी आएंगे, जिस तरह से उनके स्वागत के लिए कई तैयारियाँ की गई है। वहाँ नांगौर भी जो है, नंगाड़ा वगैरह वो तैयारी कर दी है उसको। तो अभी ये थोड़ा धूप में गर्म हो रहे हैं, जब अतिथि वगैरह आएंगे तो उनके स्वागत में इसको बजाया जाएगा और शुभारम्भ होगा इससे यहाँ से। और धार्मिक के ग्राम प्रधान पहुँचे हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पर हमारे ग्राम सभा की अम्मा जी भी पहुँची हैं। इनका डांस काफी फेमस है धार्मिक में, जिस तरह से ये नाचते हैं। कंपटीशन वाले बच्चे तो बाहर आ जाओ जल्दी, डिसिप्लिन ये सब आपके जज होंगे, कौन कितना डिसिप्लिन में बैठा है, कैसे बात कर रहा है, वो सब आपके यहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक प्रतियोगिता हम लोगों ने करवाई है। 4 दिन की इसकी वर्कशॉप थी, 12 तारीख को आप लोगों ने ऑडिशन करा है, उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड उनका आज फाइनल होने वाला है। और सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने अपने के लिए बजाइए कि आप उन टॉप 10 टॉप 12 में आप सिलेक्टेड हुए हो, और आई होप कि तुम लोगों ने सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे और अपना अच्छा बेस्ट देगा हो सके अपना बेस्ट। हमारे आज के जो अतिथि आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ग्राम प्रधान चांच श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और हमारे जो कलेक्टर हैं श्री किशोर जोशी जी, भुवन शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत। ये आपके सेकंड जज होंगे, अगर ललित बिष्ट जी आवाज सुन जाए, ललित बिष्ट जी। तो दोस्तों, ड्राइंग कंपटीशन की तैयारी चल गई है अभी यहाँ पे, आपके पास आधे घंटे का समय है, आधे घंटे इस पर आप बनाइए और उसके बाद आधे घंटे के बाद आपका टाइम अप हो जाएगा, उसके बाद जी। अभिनी शर्मा बोले, कॉस्ट्यूम जो भी आपके डांस को वो है, आप रेडी हो जाइए। और लोग ना जाए।
समाप्त होता है। भाई दो प्रसन्न बच्चे हो, 5 मिनट आपके पास। और आप सब अपने के लिए बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे आज जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर यशपाल रावत जी के प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अभिनंदन सर्वोच्च महोत्सव के आज फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस रंगमंच प्रतियोगिता के समापन दिवस में एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सभी का इस फाइनल राउंड में, क्योंकि हमारे आज के जो फाइनल बच्चे हैं, इसके बाद जीके कॉम्पिटिशन हमारे भी यहाँ पे होएगा। इसके बाद डांस कॉम्पिटिशन वाले जो बच्चे हैं अंदर, जो अपनी ड्रेसअप जो बरेलिया है, हमारे यंगर ये नेता है आज रंगमंच प्रतियोगिता के समापन दिवस पर तालियां हो जाए। और अभी तक कर हमारे इस कार्यक्रम के शुभारम्भ आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप क्या
दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर वन। Oh,
मंच पर ग्राम प्रधान कफलटा श्री